हेलो स्टूडेंट्स, आज 2021 के मार्च के एसेट एग्जामिनेशन का सलूशन कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक सेगमेंट से आज स्टार्ट करने का सोचा है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला सवाल है अ फाइव डिजिट नंबर। ओके, फाइव डिजिट नंबर डिविजिबल बाय थ्री इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग 0, 2, 3, 4, 6, 8 विदाउट रिपीटेशन। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन। सो फाइव डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0, 2, 3, 4, 6 और बाय यूजिंग 0, 3, 4, 6, 8 सिंस द सम ऑफ डिजिट्स इन दिस केस इज डिविजिबल बाय 3। सो सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 है तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 0, 3, 4, 6, 8। ओके, सो नंबर ऑफ फाइव डिजिट दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0, 2, 3, 4, 6 टोटल कितना होगा 4 × 4 क्योंकि सबसे लेफ्ट में जीरो नहीं बैठ सकता। ओके, सो 24 × 4 सो 96 आ गया। सो नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0, 3, 4, 6, 8 भी सेम ही होगा। सो 4 × 4 96। सो द टोटल नंबर कितने फॉर्म होंगे 96 + 96 = 192। सो टोटल 192 पॉसिबल नंबर्स कैन बी क्रिएटेड इन दिस वे। सो द आंसर टू द फर्स्ट वन इज ए। चलिए दूसरे में चलते हैं। अ स्टूडेंट इज टू आंसर 6 questions out of 8 questions इन एन एग्जामिनेशन। सो कितने तरीके से वो आंसर कर सकता है, हाउ मेनी चॉइसेस इफ ही मस्ट आंसर एटलीस्ट 3 of the 4 questions। सो इफ ही आंसर 3 questions out of 4 सो देन ही कैन चूज इन 4C3 ways में वो चूज कर सकता है। 4C3 मतलब 4 ways ही है। नाउ शी कैन चूज द अदर 3 questions फ्रॉम द रिमेनिंग 4 अगेन 4C3 ways दैट इज 4 ways। सो दोनों को मिला के टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ 6 question इज 16 ways। नाउ इफ शी आंसर्स ऑल द फर्स्ट 4 questions देन शी कैन चूज द अदर 2 questions इन ऑल फर्स्ट 4 देन लास्ट 2 in 4C2 ways दैट इज 6। सो टोटल यहाँ पर आपका 16 हो गया और यहाँ पर उसके पास चॉइस इज 6 सो 22। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक प्रोबेबिलिटी का सम है, ए एंड बी दिया हुआ है, पी ए पी बी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बहुत ही आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, उसका मतलब है 1 - P ऑफ ए यूनियन बी। ये हम लोगों को पहले मिल गया। ओके, अब पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - P ऑफ ए यूनियन बी बाई 1 - P ऑफ बी। तो ए यूनियन बी निकालना है जिसका फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज हाफ 1/3 1 - 4 जो आता है 7/12। सो 7/12 1 - 7/12 सो 5/12 और पी बी में भी वही होगा सो 1 - 2/3 तो 3/4 सो 5/8। तो 23 नंबर काफ़ी आसानी से हो गया। अभी 24 की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ नोन दैट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू वर्कर हु हैज अटेंडेड द कंपनीज ट्रेनिंग प्रोग्राम विल मीट द प्रोडक्शन कोटा इज 0.8 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.5 फॉर अ न्यू वर्कर हु हैज नॉट अटेंड द कंपनीज ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग मिला तो 0.8, कहीं नहीं मिला तो 0.5। इफ 2/3 ऑफ ऑल वर्कर्स अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम वट इज द, मतलब सिर्फ 67% लोग ये अटेंड कर रहे हैं, न्यू वर्कर विल मीट द प्रोडक्शन। तो ठीक है, तो पी ऑफ ए अगर ले लेते हैं कि इवेंट दैट न्यू वर्कर विल मीट द प्रोडक्शन कोटा, सो न्यू वर्कर के लिए बी है न्यू वर्कर इवेंट दैट अ न्यू वर्कर विल अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये है न्यू वर्कर मीटिंग द कोटा
and this is attaining the program. So P of A intersection B kya hai? 0.8 A intersection B complement. इसके बाद भी नहीं हो पाया, सो 0.5 दूसरे में दिया हुआ है. पी बी इट्सेल्फ कितना है, कितने वर्कर हैं, 2/3. तो हमें निकालना है पहले पी ए निकालना है यहाँ से. सो पी ए के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. ये फॉर्मूला है. सो 0.8 इंटू 2/3 प्लस 0.5 इंटू 1 - 2/3 मतलब 1/3. दोनों को मिलाने से आएगा 0.7. ये आपका आंसर.